लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सत्ताधारी दल बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाखों का भ्रष्टाचार किया है, चुनावी बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया गया है, घाटे वाली कंपनियों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये घोटाला सामने आया, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सांसद ने कहा कि 33 कंपनियों को 1,00,000 करोड़ का घाटा हुआ है, लेकिन 450 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। वहीं एक कंपनी अपने मुनाफे 93 गुणा चंदा दिया, 6 कंपनियों ने बीजेपी को 600 करोड़ का चंदा दिया, 17 कंपनियों ने 1 रुपये टैक्स नहीं दिया। संजय सिंह ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट करने का कारण ये है कि भाजपा का भ्रष्टाचार खोजने में कुछ नए तथ्य सामने आ जाते हैं। कितने सुनियोजित तरीके से पर्दे के पीछे लोगों से छिपाकर बीजेपी ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला हुआ। आप सांसद ने कहा कि लाखों करोड़ों के टैक्स की छूट देकर कंपनियों को करोड़ों का टेंडर दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि अब ईडी सीबीआई कहाँ है, ये कागज पर बनी कंपनी घाटे में होने के बावजूद बीजेपी को चंदा दे रही हैं। 2017 में चुनाव आयोग का एक नियम था कि अगर किसी कंपनी को पिछले 3 सालों में मुनाफा हुआ है तो वो उसका 7% ही पार्टियों को चंदा दे सकते हैं, मतलब घाटे की कंपनी चंदा नहीं दे सकती, कागजों पर कंपनी बनाकर चंदा नहीं दे सकते। संजय सिंह ने आगे कहा कि हमारे मामले में तो ईडी सीबीआई गामा पहलवान बन जाती है, बीजेपी के मामले में घास छीलने को रह जाती है, गजनी बन जाते हैं, कहते हैं कोर्ट जाइए। ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स जनता के पैसों से चलती है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे भ्रष्टतम पार्टी बीजेपी है।